सो गाइस दिस कमेल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाई इनशॉट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर ट्रेंडिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, ग्लो लिरिक्स स्टेटस वीडियो। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखना। मैं आपको दिखा आप अपनी फोटो से कैसे बना सकते हो लिरिक्स स्टेटस वीडियो। तो वीडियो को कंप्लीट देखा कीजिएगा और जल्दी से हम चलते अपनी वीडियो की तरह। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को इनशॉट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में। तो इनशॉट पर आने के बाद सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आप यहां से फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना जो पिक्चर है उसको ऐड कर लेना। सो यहां से मैं अपना फ़ोटो ऐड कर लेता हूं, जिस फ़ोटो से आप लिरिक्स स्टेटस वीडियो बनना चाहते हो। तो मैंने अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो है आ चुका है इनशॉट के अंदर। उसके बाद आपको मिलता है कैनवास, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नो फ्रेम के ऊपर क्लिक करके आप इसको पूरी स्क्रीन पर इस तरीके से कर सकते हो अपनी फ़ोटो को, या फिर आप यहाँ से 9:16 को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप इस लाइन की मदद से अपनी फ़ोटो को पूरी स्क्रीन पर जूम कर सकते हो एंड इसे मैन्युअली आप कुछ इस तरीके से इधर उधर करके एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली कर देंगे डन एंड डन करने के बाद आप अपनी फ़ोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। फोटो का टाइम ड्यूरेशन को कुछ इस तरीके से आप जो बड़ा या छोटा कर सकते हो। सो मैं इसका टाइम ड्यूरेशन इतना रखूँगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इफेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से सेलिब्रेट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको काफ़ी सारा इफेक्ट मिलता है। आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप इस टाइप का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इस इफेक्ट को अप्लाई करूँ, आप इसी जगह पर कोई दूसरा इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसको कर देंगे डन एंड डन करने के बाद ये जो फ्लैश इफेक्ट अप्लाई किया आपने अपनी वीडियो पर, इसको आपको अपनी फ़ोटो के साथ एडजस्ट कर लेना इसका टाइमलाइन। ठीक है, सो मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ से आ जाना है बैक, आप डन कर लेंगे एंड देन आपको मिलता है PIP, आप इस पर क्लिक करेंगे। और अभी आप यहाँ से वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप रिसेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक इफेक्ट ऐड कर लेना। सो इफेक्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरा जो इफेक्ट वो कहाँ पर है। सो आई गेस यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा इफेक्ट। सो मैंने अपना इफेक्ट ऐड कर लिया। इफेक्ट को आपको जूम कर लेना अपनी पूरी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। सो मैंने जूम कर लिया। उसके बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है, ब्लेंड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे स्क्रीन, या आप यहाँ से लाइटन कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन लाइटन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसको कर देंगे डन एंड आपको मिलता है वॉल्यूम, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसका जो साउंड है इसको आप म्यूट कर लेंगे, ठीक है, 0% कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्टेटस पर कुछ ऐसा एक इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद इसको कर देंगे डन। ओके, उसके बाद अगेन इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद अगेन आपको PIP के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से अभी आपको एक इमेज ऐड करना है, तो मैं एक इमेज ऐड कर लेता हूँ। सो ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट है, आपको इस टाइप का इफेक्ट गूगल पर मिल जाएगा या मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप इस इफेक्ट को अप्लाई कर लेंगे अपनी फ़ोटो पर। सो मैंने अप्लाई कर लिया फ़ोटो के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो टाइमलाइन है आपको अपनी फ़ोटो के टाइमलाइन के साथ एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद इसको कर देंगे डन। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मिलता है PIP, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगेन PIP के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आप वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अभी हमें अपना लिरिक्स सेट करना है। तो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के एंड में लिरिक्स कैसे बना सकते हो, आपको इस तरीके का ग्लोइंग लिरिक्स कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो यहाँ से मैं फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबसे पहले फोल्डर सिलेक्ट कर लिया और अभी मैं यहाँ से जो है अपना जो लिरिक्स है उसको ऐड कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा लिरिक। सो मैंने लिरिक्स को ऐड कर लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद आप इस तरीके से पूरी स्क्रीन पर जूम करेंगे, जूम करने के बाद आप नीचे की साइड पर लेके आ जाएंगे कुछ इस तरीके से इसको। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा लिरिक्स कुछ इस टाइप का है एंड देन आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लेंड, आप इस पर क्लिक करेंगे और इसको लाइटन या स्क्रीन इन दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सो मैंने लाइटन को अप्लाई किया, उसके बाद इसको कर देना है डन। डन करने के बाद अभी आपको मिलता है फिल्टर, आप इस पर आ जाएंगे, एडजस्ट पर आप आ जाएंगे। आने के बाद इसका सेचुरेशन को आप इंक्रीज कर लेंगे अराउंड 15% से लेकर 20% तक, ठीक है, इसके अराउंड रख लेना। और शेडो को आप इंक्रीज कर लेना, शेडो को आप अराउंड 15% तक कर लेना। उसका इसको कर देंगे डन। डन करने के बाद हमारा लिरिक्स वीडियो बनकर तैयार हो चुका है, लिरिक्स स्टेटस वीडियो। अभी मैं आपको लिरिक्स स्टेटस वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से मैंने वीडियो को प्ले किया एंड जैसे कि आप देख सकते हो शानदार लिरिक्स वीडियो हमने एडिटिंग कर लिया लिरिक्स स्टेटस वीडियो इनशॉट के अंदर। तो
तो कुछ इस तरीके से आप भी बना सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हो कि आप इस तरीके का लिरिक्स कैसे बना सकते हो, आपको कहाँ मिलेगा इस टाइप का लिरिक्स और आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहली बात इसको हम कर लेते हैं डन। तो इस तरीके लिरिक्स जिस भी सॉन्ग का आपको चाहिए, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे उस सॉन्ग का लिरिक्स लिख के, सॉन्ग का नाम लिख के एंड में आप ग्लोइंग लिरिक्स लगा देना, तो आपको यूट्यूब पर उसी सॉन्ग का लिरिक्स मिल जाएगा। और अगर आपको यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा ब्लैक स्क्रीन के साथ आपको लिरिक्स का लिंक मिलेगा, आप उन सबको डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पर ढेर सारा लिरिक्स मिलेगा ग्लोइंग लिरिक्स, जिनको डाउनलोड करके आप लिरिक्स वीडियो बना सकते हो। या फिर अगर आप अपनी खुद का बनना चाहते हो, मान के चलो आप किसी स्पेसिफिक सॉन्ग का बनना चाहते हो या किसी भी चीज़ के लिए आप ग्लोइंग लिरिक्स लिखना चाहते हो किसी भी चीज़ का, तो फिर आप नोट वीडियो एडिटर नाम का एक एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन के अंदर आप बना सकते हो। लेकिन वो जो एप्लीकेशन है स्टेबल एप्लीकेशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, वो जो एप्लीकेशन लैग करेगा आपके फ़ोन के अंदर। तो बेहतर है आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना या डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो इसके लिए आप सेव की ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं 1080p सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता है सेव, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो सीधा आपकी गैलरी पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।